हे गाइस, क्या हाल है भाई हो? तो फिर से एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे जो हमारा डीमन किंग बेब्लेड है उसको अटैक टाइप करेंगे। और ये मैंने अटैक टाइप में ये वाला ड्राइवर लगाया है इसका। और रुको गाइस, पे एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये वाला ड्राइवर लगाया है मैंने जो कि एस ड्रैगन के साथ में आता है और काफ़ी सही सा हैवी और थोड़ा सा अटैक टाइप भी है। ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसको ज़्यादा अटैक टाइप बनाएं। और ये देखना होगा आज की वीडियो में कि ये अभी भी कोई अनबीटेबल है या नहीं, क्योंकि जो बैरिंग ड्राइवर है वो काफ़ी मदद करता है गाइस, इसको काफ़ी ज़्यादा ही करता है भाई, थोड़ी तो करता नहीं है। तो बस आज यही देखना है कि बिना बैरिंग ड्राइवर के क्या कर पाता है और क्या नहीं कर पाता। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो काफ़ी अच्छा खासा अटैक टाइप बन गया ये भाई। हाँ, काफ़ी अच्छा अटैक टाइप बन गया है। और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा इसको मैं घर पे बनाने की। अगर मैं घर पे बना पाया और मेरे को अच्छे से बन गया तो हम इसको आईबी स्टोर पे डाल देंगे, मतलब उनको बना बना के, ताकि आप लोग भी बाय कर सको, क्योंकि इजी रहेगा फिर सबके लिए। अभी मुझे नहीं पता है कैसे करना है इसको, बट ठीक है। पहले तो एक फेक बेब्लेड चाहिएगा जिसका ये निकाल सकें हम। जो भी है गाइस, ओके तो करते हैं शुरू। सबसे पहले करते हैं हम डेड हेडीज से। ये क्या हुआ, इसको डेड एडी से करेंगे और देखेंगे क्या कुछ सीन रह पाता है गाइस, क्या हमारा ये जो डीमन किंग है वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। और हाँ गाइस, हमारे फिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी वहाँ पे वीडियोस आने वाली हैं और भी नई ताज़ा, और कुछ अपडेट भी हैं। और कुछ मछलियाँ मैंने वापस कर दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे आपस में लड़ लड़ के। जो टेट्रा फिश थी उनके फिन्स को उखाड़ दिया था भाई उन्होंने, गोरामी ने, तो मैंने वापस कर दिया। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ओके, इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। भाई कमाल की बात ये है कि डेड हेडीज से ज़्यादा फास्ट बन गया ये अटैक टाइप। नाइस, यही तो चाहिए था। बट ये अटैक नहीं कर सकता यार, बस स्पीड बढ़ा सकता है अपनी, क्योंकि अटैक करने के लिए कुछ होना चाहिए, ब्लेड्स वगैरह। ब्लेड्स नहीं है इस भाई के पास, बिना ब्लेड्स के क्या ही कर लेगा, कितनी देर तक कर लेगा। लेकिन ये है कि फ्रिक्शन भी नहीं है फिर, जिसकी वजह से जीतना भी इजी रहता है। पर ये ड्रेसील की, ड्रेसील में मैंने इस वाला ड्राइवर लगा दिया है। लेट्स सी क्या कर पाता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओ ये, ओहो, तोते उड़ गए भाई। ओके गाइस, तो गिव अवे भी अनाउंस कर ही देते हैं भाई। ठीक है, हो गया, वो काफ़ी टाइम हो गया गिव अवे किए। ओके गाइस, तो ठीक है, गिव अवे के लिए बता देता हूँ क्या क्या है भाई। ये नहीं है, इसको मैं रखता हूँ एक बार के लिए। पहले है ये लिमिटेड एडिशन वैल्क्री विद मोटराइज्ड ड्राइवर, ये काफ़ी मस्त चीज़ है। उसके बाद हमारा स्पेशल एडिशन अखिलेश, जेड अखिलेश, ये है। और उसके बाद हमारे पास है ये यूनियन वेलकरी डस्टर नेकर स्प्रेगन का कॉम्बो, ऐसा कुछ कह सकते हैं उसको। फिर है हमारे पास वॉइस लेपर्ड, 4 ये बेब्लेड्स हैं और एक ये लॉन्चर है गाइस। ये सब एक विनर को मिलेगा तो भाई, और वो विनर जो भी होगा उसको पता चल जाएगा भाई। ठीक है, उससे पहले गाइस, जो भी मतलब क्या कह रहा था मैं, और हाँ गाइस, एक कमेंट्स में से सिलेक्शन होगा भाई। तो और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि सिर्फ एक ही विनर चूज़ होगा, तो उसके बाद में हेट मत डालना कि भाई मेरे को क्यों नहीं चुना, मेरे को नहीं चुना, क्योंकि जो विनर सेलेक्ट होगा ना गाइस, वो एक टाइप से रैंडम सेलेक्ट होगा। मैं एक वेबसाइट पर ना उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, और वहां से वो वेबसाइट अपने आप ऑटोमेटिकली किसी भी एक विनर को चूज़ कर लेगी और उसको ये सब मिल जाएगा। इसका अनाउंसमेंट मैं नेक्स्ट लोट में करूँगा कौन है गिव अवे विनर, या फिर जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। जैसे ये हमारा जो लेट इट बी चैनल है, इस पर अभी 38K सब्सक्राइबर्स है, इस पर 43K सब्सक्राइबर्स हो गए, उसी दिन हम गिव अवे अनाउंस कर देंगे गाइस। अभी 48K है गाइस, तो 5000 सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस भाई, करवा ही सकते हो यार इतना तो। और हाँ, उसी के चैनल पे जो लेटेस्ट अभी वीडियो है आई मेड हाउस फॉर एक्वेरियम फिश, उस पर जाके कमेंट करना है भाई अच्छा सा। ये मत कहना कि भाई गिव अवे विनर अनाउंस कर दो, मुझे दे दो, ये मत कहना, कोई अच्छा सा कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो ये है भाई मैंडेटरी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट दिखा देते हो, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ही लगता है यार, इतने कम फॉलोवर्स हैं भाई, थोड़ा सा करवा दो यार। इंस्टाग्राम पे भी फॉलोस, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी इनको रखते हैं साइड में। ये हैं हमारे गिव अवे के प्राइस, ये कुछ कितना हज़ार का होगा भाई, ये देखते हैं। ये आई बी स्टोर पे 800 का है, ये भी 800,
या फिर 1000 का था पता नहीं, ये है 500 या 600 का, ये भी सेम इतना ही है और ये भी इतना ही है। लगभग 3 से 3500 रुपये का गिव अवे अनाउंस हो चुका है गाइस, काफ़ी है ना, उसके बाद अलग से नेक्स्ट कर देंगे फिर, ठीक है, सोच रहा हूँ करने का। चलो गाइस अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके ये बेबलेट्स आ चुके हैं, इनसे करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी मस्त भी हैं, इनको रखते हैं साइड में और आप देख लेते हैं डीमन किंग क्या कर पाता है इनके सामने गाइस। स्टार्ट, सबसे पहले अल्टीमेट वेल्क्री, अल्टीमेट वेल्ट्रैक सॉरी, लेट्स सी क्या कर पाता है हमारा डीमन किंग इनके सामने। अभी तक आज तक डीमन किंग सिर्फ और सिर्फ 2 बेबलेट से आ रहा है, एक से तुक्के में हार गया और दूसरे से हार गया भाई अनलिमिटेड स्टेमिना वाले से हार गया बस ये, ठीक है इसको कर दिया साइड। अब करते हैं हम ग्रेटेस्ट रफाइल से। ओके 3 2 1 हो जाए शुरू, 3 2 1 हो जाए शुरू, ऑन ये अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, मार दो तोते उड़ा दो, ठीक है गाइस देखते हैं भाई किसका क्या रहता है। हाँ गाइस टारगेट है भाई 43K सब्सक्राइबर्स गिव अवे के लिए, तो करवा देना यार जल्दी से करवा दो, जितना जल्दी करवा दोगे उतना जल्दी गिव अवे अनाउंस हो जाएगा भाई। ओके तो ये भी हारता है, अभी तक कोई जीता भी नहीं है वैसे और मेरे ख्याल से कोई जीतेगा भी नहीं। ब्रेव वेल्क्री से कर लेते हैं, ब्रेव वेल्क्री झंडे गाड़ेगा या झंडे गड़वाएगा, लेट्स सी 3 2 1 हो जाए शुरू। ओहो भाई एक टक्कर में हिला दिया ब्रेव वेल्क्री को, भाई मजाक करता है ये सब बेब्लेड्स के साथ रेस चल रही है गाइस, रेस आहा बढ़िया। और हाँ गाइस कल इन दोनों की जो डीमन किंग है इसकी और सामुराई पेगासस जो हमने अपग्रेडेड वर्जन किया है उन दोनों की फाइट करेंगे, उनमें से देखेंगे कौन जीतेगा और इसको मैं अटैक टाइप ही रखूँगा। अरे हाँ ये जीत गया, ब्रेव वेल्क्री हार गया। डायनामाइट बेलियल बेल फायर है, कमोन बस्ट होना चाहिए भाई, डायनामाइट बस्ट नहीं होता लेकिन इसको करना चाहिए भाई, कर दे भाई। और हम आ चुके हैं हमारे पुराने वाले नए वाले खतरनाक वाले मस्त वाले स्टेडियम पे और अभी भी कोई नहीं जीता है गाइस। और प्रोमिनेंस फिनिक्स से कर लेते हैं, अभी ये जीत सकता है प्रोमिनेंस फिनिक्स। आ शिट रुको गाइस फिर से स्टार्ट, रीस्टार्ट करेंगे। प्रोमिनेंस फिनिक्स वर्सेस डीमन किंग, प्रोमिनेंस फिनिक्स ऐसे ही तोते उड़ा रहे खुद भाग रहा है भाई, कमोन डीमन किंग अगर स्टेमिना बैटल हुई तो जीत नहीं पाएगा भाई, इस बार तोते उड़ जाएंगे तेरे। चलो स्टेमिना बैटल भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है गाइस, ये पहले भी स्ट्रोंग ही था और अभी भी स्ट्रोंग ही है, इसको नहीं हरा सकते यार भाई साहब खतरनाक है ये, मैं तो सोच रहा था बैरिंग ड्राइवर में ही खतरनाक है बट ये हर ड्राइवर में खतरनाक है ये गैलेक्सी पेगासस फुल ट्राई गैलेक्सी पेगासस को तालियां होनी चाहिए भाई गैलेक्सी पेगासस के लिए। रिजल्ट फिर भी सेम ही रहेगा गाइस, सबसे डेंजरस से बाद में करेंगे, ये है सबसे डेंजरस। ओके गाइस इसको रखते हैं साइड में और अभी करते हैं इनको, इन 3 2 1 हो जाए शुरू। क्या हो गया भाई, दोनों ही बस चक्कर काट रहे हैं गाइस और कुछ हो नहीं रहा है और पता नहीं कौन जीतेगा डायनामाइट बेलियल जो है इसका भी जो स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते हम, काफ़ी अच्छा है। एंड द विनर इज डीमन किंग, बाकी अभी स्पीड डीमन किंग की कम लग रही है लेकिन डीमन किंग है वो जीत जाएगा, जीत गया। लास्ट बेब्लेट से कर लेते हैं गाइस, लास्ट जो बेब्लेट है वो है वेल्क्री, नाइस लेट्स सी क्या कर पाता है वेल्क्री। इन 3 2 1 हो जाए शुरू, आंखें बचाओ आंखें, अरे
ठीक है भाई, मेरे को ये लॉन्च करते हुए ना डर लगता है ये टूट के लग ना जाए कहीं पे, ये खतरनाक चीज़ है यार। तो गाइस ऐसा कुछ ट्राई मत करना घर पे, घर पे करो तो थोड़ा सा चश्मा बढ़िया क्वालिटी का और जो पूरी आंखों को कवर करे वो वाला लेना। और ये भाई अभी भी अनबीटेबल है, इसको अटैक मोड भी कर दिया हमने। रुको ब्रेव वेलगरी वाला भी लगा के देख लेते हैं इसके अंदर, और करते हैं प्रोमिनेंस फिनिक्स से, अब पता चलेगा असली पावर इसकी। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। उजाड़ दिया भाई, सिस्टम हैंग कर दिया इसका तो। ओ भाई गया, रुक जा रुक जा भाई साहब, इसके साथ करना चाहिए था यार ये तो ट्राई। नाइस, ये वाला और भी डेंजरस है भाई, ये ड्राइवर बना ही इसके लिए शायद। ओके फिर से करेंगे, इससे करेंगे अभी भाई, ये तो खतरनाक था यार, डेंजरस। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अटैक 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 अटैक, ये कम ऑन। ओ भाई कम ऑन, ओ भाई, ये ड्राइवर बना है इसके लिए, ये ड्राइवर इसी के लिए बना है भाई साहब, डेंजरस। मैंने नहीं देखा था भाई इतना कुछ खतरनाक बन जाएगा, लेकिन हाँ ये बन गया है। डायनामाइट बेलियल बर्स्ट नहीं होता, अभी इसको करके देखते हैं बर्स्ट, क्या पता हो ही जाए। 3, 2, 1 हो जाए। अरे यार 3, 2, 1 हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। अरे यार ओके लेट्स सी। ओ भाई ये, ओ ये, अरे 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 कमोन कमोन, झंडे काट दे भाई साहब, बस कर दे यार, बस करना देखना था, बस देखना था यार, नहीं हो पाया, बस नहीं हो पाया, डायनामाइट हल्का पड़ गया भाई। इसको कोई हरा नहीं सकता यार, सच में नहीं हरा सकता इसको कोई भी, चाहे कुछ बन जाओ यार। चलो रिवाइवर से करके देखते हैं, मुश्किल है रिवाइवर से जीतना इस बार, क्योंकि स्टेमिना नहीं है इस बार इसको बचाने के लिए, और ये हमेशा होता है जब भी मैं ज़्यादा ऊपर से लॉन्च करता हूँ रिवाइवर को, क्योंकि रिवाइवर फिक्स नहीं है ना, ये नीचे चला जाता है और नीचे जाते ही बंद हो जाता है। ओके 3, 2, 1 हो जाए शुरू। बे यार ऐसे मत करो यार, रिवाइवर से फाइट करनी है, लेकिन रिवाइवर चाहता है नहीं करनी फाइट। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके नाइस, ओहो ओ भाई, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो अलग था भाई, नहीं ये तो भाई बिल्कुल ही अलग है। रुको मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिवाइवर को ऐसे बुरी तरह से एक टक्कर में हरा देगा। फिर से करेंगे स्टेडियम चेंज, ताकि रिवाइवर को थोड़ा सा बढ़िया स्टेडियम मिल जाए। ओके अब देखते हैं, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। कमोन 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 कमोन, भाई जीतेगा, नहीं हरा सकता रिवाइवर इसको, कुछ भी कर ले रिवाइवर से, रिवाइवर के बस की बात नहीं है इसको हराना। ठीक है इसको अटैक बना लो, या फिर मैक्सिमम अटैक बना लो, या फिर मैक्सिमम स्टेमिना बना लो, ये जीतेगा ही जीतेगा। और अभी ये इतना कैपेबल बन चुका है, इसका जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसको भी आराम से हरा सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है ना, इसको देखना कितनी बुरी तरह से हराएगा। अभी एक लोता बेब्लेड है जो इसको हरा सकता है, और अभी उसके भी तोते उड़ाएगा ये, क्योंकि उस टाइम स्टेमिना था भाई, अभी अटैक है, अटैक में इसको पेलेगा ये बढ़िया तरीके से। ये गया 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 गया, अरे भाई गया गया, कमोन कमोन, नाइस नाइस नाइस। अरे स्टेमिना रिकवर मत करने दे भाई, तोते उड़ जाएंगे तेरे, उड़ गए यार इसके तो, तोते उड़ गए, नहीं इससे नहीं जीत सकता भाई। वैसे स्टेडियम स्टेडियम भी मैटर करता है गाइस, अगर इसी को मैं अनलिमिटेड स्टेमिना वाले को ऑरेंज वाले पे रखूं तो शायद हार जाएगी, क्योंकि उसमें इसको डीमन किंग को ज़्यादा स्पेस मिलेगा अटैक करने के लिए, और ज़्यादा लीथल अटैक करेगा ये फुल स्पीड। अभी देखना, इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अभी मारेगा एक टक्कर मारेगा बढ़िया वाली,
कम ऑन, अरे यार घूम मत। हाँ ये कम ऑन तोते उड़ा दे। फिर भी नहीं जीत सकता यार इससे तो इससे नहीं जीत सकता यार, कुछ कर ले भाई, इससे नहीं जीत सकता ये डीमन किंग। एक लौती कमजोरी और खतरनाक वाली कमजोरी है भाई ये तो। एक और स्टेडियम में कर लेते हैं बस, लास्ट इस वाले में करते हैं, ये लास्ट होगा शायद, ये छोटा है तो इसमें हरा दे। हिला दिया स्टेडियम, हिला दिया, लेकिन कुछ होगा नहीं भाई, इन दी एंड जीतेगा अनलिमिटेड स्टेमिना ही। और ये था भाई डेमन किंग का असली कमजोरी, और ये हर हमेशा ही रहेगा। हो नहीं हरा सकता इसको, तो नहीं हरा सकता भाई, कंफर्म है, तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्म है। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, बताओ कैसी लगी। और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए भाइयों, उस वीडियो पे जाके कमेंट कर देना, और वो उसी में से विनर को चूज़ करेंगे हम। और हाँ, 43K सब्सक्राइबर्स करवा दो यार वहाँ पे। ओके, और हम करते हैं इस वीडियो को एंड।